सेक्शन 156(3) के हिसाब से CRPC, आपको अगर कोई पुलिस वाला मना कर देता है कि हम FIR नहीं लेंगे या भगा देता है या फिर पैसे की डिमांड करता है, तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट को सेम पावर है इन्वेस्टिगेशन का, वो ऑथराइज कर सकता है CRPC 192 के तहत किसी भी पुलिस वाले को कि आप इस मैटर में देखिए, और नहीं तो वो खुद से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकता है। वो किसी को भी नियुक्त कर सकता है, पुलिस वाले के जगह पर भी एक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जा सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जा सकता है, या किसी भी एडवोकेट को, या अगर जिनको वो समझता है मजिस्ट्रेट या कोर्ट कि हम इनको इनके ऊपर जिम्मेदारी दे सकते हैं, तो वो उनको नियुक्त कर सकते हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन। विधानसभा में सवाल उठता है कि FIR में डिले हो रहा है, बार बार प्रेस मीडिया सवाल उठाया जा रहा है और जनसेवी भी सवाल उठाते हैं, लेकिन अब विधानसभा में सवाल उठ रहा है कि लोगों का FIR रिपोर्ट नहीं हो रहा है। की बात है कि सत्ता पक्ष के विधायक ऋषि कुमार ये सवाल विधानसभा में उठाते हैं और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज होती है। ये एक तरह का दुर्भाग्य इसको कहिए, लेकिन पूरे बिहार में यही चल रहा है कि कहीं भी FIR नहीं होता है। आप जाइए सत्ता के किसी विधायक या मंत्री द्वारा आपके ऊपर दबाव बना दिया जाता है, या उनको पता चल जाता है कि जिस जाति की सत्ता है अगर उसके लोग हैं तो उनका FIR लेना है, और उसके विपक्ष में अगर कोई FIR कर रहा है तो उनको नहीं लेना है। और ये बिहार में शुरू से चलता है, आपसे नहीं ले रही है FIR, आपका लेने से मना कर दे, जबकि उसको दे आर बाउंड टू टेक द FIR। विधानसभा में सवाल उठता है कि FIR में डिले हो रहा है, बार बार प्रेस मीडिया सवाल उठाया जा रहा है और जनसेवी भी सवाल उठाते हैं, लेकिन अब विधानसभा में सवाल उठ रहा है कि लोगों का FIR रिपोर्ट नहीं हो रहा है। जो FIR है वो न्यायिक प्रक्रिया का पहला चरण होता है, और मजे की बात है कि सत्ता पक्ष के विधायक ऋषि कुमार ये सवाल विधानसभा में उठाते हैं और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज होती है। ये आपको छोटी बात लग रही है कि एक FIR के लिए विधानसभा में सवाल खड़ा कर दिया जाए तब जाकर के FIR लॉज होगा। हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील हैं अमृतांशु वत्स जी। अमृतांशु जी, इसको कैसे देखते हैं आप FIR को? FIR को देखना क्या, आप पूरे बिहार में ये एक तरह का दुर्भाग्य इसको कहिए, लेकिन पूरे बिहार में यही चल रहा है कि कहीं भी FIR नहीं होता है। आप जाइए जहां सत्ता पोषित या फिर सत्ता के कुछ चाटुकार पुलिस वाले बैठे हैं, वो कुछ गलत करते हैं। आप देखिए, आपका सबसे बड़ा एक उदाहरण आपको हम छपरा का देते हैं जी। छपरा में अभी हाल में ही एक घटना घटी जी, जिसमें इसको बाद में जातिवाद का नाम दे दिया गया, राजपूत बनाम यादवों का जी। वहाँ के एक मुखिया द्वारा 3 लड़कों की पिटाई की जाती है। उन लड़कों के परिवार जब जाते हैं थाना में FIR करने के लिए, तो FIR नहीं लिया जाता, मना कर दिया जाता है, उनके परिवार को भगा दिया जाता है। उल्टा मुखिया जी ही FIR करते हैं इन तीनों लड़कों पर, और उसको उसके आधार पर शुरू हो जाता है सियासी जो भी हंगामा है। इस मैटर को हाईलाइट करने के बाद FIR दर्ज होता है, जब मामला ये जो वीडियो हाईलाइट हो जाता है, जब जातिवाद जब चरम पर आ जाता है, तब ये जो FIR है वो दर्ज होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ एक सत्ता के ही लोग कहते हैं कि जाति के पुलिस वाले थे, जो इंस्पेक्टर वहाँ का उसी जाति का है, जो DSP थे उसी जाति के थे, मतलब जो प्रोपोगेंडा वहाँ फैलाया गया, जो चीज़ें निकल कर बाहर आई। ऐसा ही एक केस मधुबनी में, यहाँ आपको कटिहार में आपको हुआ, कटिहार में एक केस हुआ आपको मोहना ठाकुर से रिलेटेड, जिसमें कि कई हत्याएं हुई, कई लाशें मिले, उसमें भी जब एक पक्ष का FIR करने के लिए लोग जा रहे थे, उनका कंप्लेन यही था कि हमारा FIR नहीं लिया जा रहा था। अंतिम में इस तरीके की घटनाएं कब होती हैं, जब आपका प्रशासन मदद नहीं करता है, जब सरकार आपकी मदद नहीं करती है, तभी लोग अपने हाथ में कानून लेते हैं। FIR नहीं हो रहा था। अभी एक और अभी घटना हमारे दिमाग में आ रहा है कि जहाँ FIR नहीं हुआ है, FIR नहीं लिया जा रहा, जहानाबाद की घटना है जहाँ FIR नहीं लिया जा रहा है। देखिए, पुलिस, उसके पहले का आपको मैं घटना बता देते हैं, वेद प्रकाश वाला कांड हुआ था। वेद प्रकाश वाले कांड में कई लोगों ने वेद प्रकाश के खिलाफ FIR थाना में करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं पर भी किसी पुलिस वाले ने वेद प्रकाश के खिलाफ FIR, जो रिपोर्टर थे, उनके खिलाफ FIR लेने से मना कर दिया था। सनहा सबके पास था, सभी के पास बस एक कंप्लेन लेटर ले लेके छोड़ दिया गया, उस पर अभी तक रिसीविंग लेकर उस पर चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए। तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले बायस्ड तो रहते हैं, अगर सत्ता के किसी विधायक या मंत्री द्वारा आपके ऊपर दबाव बना दिया जाता है, या उनको पता चल जाता है कि जिस जाति की सत्ता है अगर उसके लोग हैं तो उनका FIR लेना है, और उसके विपक्ष में अगर कोई FIR कर रहा है तो उनको नहीं लेना है। और ये बिहार में शुरू से चलता आ रहा है।
जब ये आरोप लगाती है, पत्रकार लगाएं या फिर कोई समाजसेवी या कोई नेता लगाएं, तो अक्सर सत्ता पक्ष इसको राजनीति का नाम देकर के ढकने का प्रयास करता है। लेकिन अब की बार सत्ता को ही नंगा किया है उसके ही लोगों ने, चाहे भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाया हो, चाहे कांग्रेस के दुबे जी ने उठाया हो, यहाँ तक कि गृह मंत्री वीरेंद्र प्रसाद यादव जी को कहना पड़ा है कि हम सारे एसपी को लेटर भेजेंगे और उससे सुनिश्चित कराई जाएगी। 70 सालों में हमारा लोकतंत्र यहीं तक पहुंचा है कि आदमी को एक एफआईआर के लिए अब सदन में आवाज़ उठानी पड़ जाए, तब जाके एफआईआर रिपोर्ट होगा। और उससे बड़ा सवाल ये है कि एक गांव का एक गरीब मजदूर अगर उसका एफआईआर लॉज नहीं होता है तो उसके पास न्याय की कोई और विकल्प हैं, या फिर वो न्याय को जो है उसकी बलिवेदी पर न्याय को ख़त्म मान ले? नहीं, एक्चुअली बिहार में ये खासकर है, बिहार पुलिस का ये रवैया शुरू से रहा है। बिहार पुलिस काम नहीं करना चाहती, और एफआईआर दर्ज करने का मतलब है कि उनको इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से गुजरना होगा या उसमें कुछ तो कुछ बरामदी दिखाना होगा, किसी को अरेस्ट करना होगा। अगर पैसे मिल गए हैं पहले तो वो किसी का सुनने को तैयार नहीं होता। अभी एक और केस हम आपको बता तो रहे थे, इझानाबाद का एक केस आया, एक धनरुआ का केस है कि एक लड़का है, क्योंकि वो सत्ता में जो पार्टी है उनके जाति का बिलोंग करता है, किसी एक लड़की को लेकर भाग गया, एक नाबालिग लड़की को या भगा कर ले गया। उसके परिवार वाले जब थाना पहुँचे हैं तो उनका कंप्लेन रजिस्टर नहीं किया जा रहा। 4 दिन हो गए उनकी बच्ची को भागे हुए या भगाए हुए, लेकिन सरकार ये पुलिस द्वारा उनको भगा दिया जाता है थाने पर से, उनका एफआईआर नहीं लिया जाता। एक और आपको एक केस बता रहे हैं मैं, आपको बिंदु सिंह का नाम सुने होंगे, हाल में उनका देहांत हुआ। उनके परिवार द्वारा कंकड़बाग थाने में केस करने गए थे, गया था क्योंकि बगल का एक हॉस्पिटल वाला है जो उनको, उनके परिवार को उनके मौत के बाद से तंग कर रहे हैं लोग, उनका अभी तक केस नहीं लिया है बिहार पुलिस, मतलब वो कंकड़बाग थाना। तो उनके केस में एक रेमेडी है आपके पास, अगर पुलिस आपसे नहीं ले रही है एफआईआर, आपका लेने से मना कर दे, जबकि उसको दे आर बाउंड टू टेक द एफआईआर, रजिस्टर करना है उनको किसी भी हालत में, लेकिन नहीं करती है बिहार पुलिस। उस केस में क्या करना है, जैसे इनको हमने बिंदु सिंह वाले केस में हुआ, सेक्शन 156(3) के हिसाब से CRPC, आपको अगर कोई पुलिस वाला मना कर देता है कि हम एफआईआर नहीं लेंगे, या भगा देता है, या फिर पैसे की डिमांड करता है, तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट को सेम पावर है इन्वेस्टिगेशन का, वो ऑथराइज कर सकता है CRPC 192 के तहत किसी भी पुलिस वाले को कि आप इस मैटर में देखिए, और नहीं तो वो खुद से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकता है, वो किसी को भी नियुक्त कर सकता है पुलिस वाले के जगह पर भी, एक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जा सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जा सकता है, या किसी भी एडवोकेट को, या अगर जिनको वो समझता है मजिस्ट्रेट या कोर्ट कि हम इनको, इनके ऊपर जिम्मेदारी दे सकते हैं, तो वो उनको नियुक्त कर सकते हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। और मजिस्ट्रेट के पास ही उसकी सुनवाई होगी, मजिस्ट्रेट ही इन्वेस्टिगेट करेंगे और मजिस्ट्रेट के पास ही विटनेस होगा, वहाँ पे कोई पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये बहुत लोगों, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं होती है तो वो इसको प्रोसेस में नहीं ला सकते हैं, और पुलिस के से हर कोई उलझना नहीं चाहता है। ये भी एक कारण है कि पुलिस का जो रवैया है वो फ्रेंडली ना होने के बजाय, क्योंकि पुलिस को आपकी सुविधाओं के लिए उनको नियुक्त किया गया, एक पब्लिक सर्वेंट को आपकी सेवा के लिए, सर्विस के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन वो लोग करना नहीं चाहते। आज पुलिस फ्रेंड से ज़्यादा उनके पास कोई पहुँचने से पहले इन पचड़ों में न पड़ने का सलाह देना आपको शुरू कर देता है। कितना भी आपके साथ गलत हो, लोग यही कहेंगे कि पुलिस के पास जाओगे लफड़ा बढ़ जाएगा, गलत हो रहा है सहन लो। तो जो भी तंत्र बनाए गए थे आपकी सुविधा के लिए, आज आपके लिए वो घातक साबित हो रहे हैं, आज आप ही के लिए वो नासूर बनते चले जा रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए तो पहले ही सरकार को कदम उठाना चाहिए था, और आज RJD ही क्यों उठा रही है बार बार इसके ऊपर? इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की तरफ भी इशारा रहेगा कि RJD के लोग ही, चूँकि जो जिन लोगों के नाम आ रहे हैं सदन में, चर्चा हो रहा है उसमें, अक्सर इन चीज़ों में बड़ा ये सॉफ्टिकेटेड था मामला कि गृह मंत्री चुपचाप को लेटर निकलवा देते। RJD के लोग सदन में खड़े होकर के, जबकि उसकी पटल की सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं, वो लाइट में आकर के बोल रहे हैं कि भाई FIR रिपोर्ट नहीं हो रहा है, पैसे लेकर के FIR हो रहा है, किसी को पकड़ के अंदर कर दिया जा रहा है। और हम जानते हैं कि प्रशासन नीतीश जी के हाथ में है, क्या कुछ राजनीतिक सिनेरियो भी देख रहे हैं? बिल्कुल, इसलिए राजनीतिक सिनेरियो है। देखिए, बिहार पुलिस का रवैया शुरू से रहा है कि जब कोई नहीं मिलता है तो कुछ लोग जो पकड़े गए उनके ऊपर बाकी सारे चार्जेस भी आप अप्लाई कर दीजिए और उनको जेल भेज दीजिए, ताकि आपको एक दिखाने के लिए हो जाएगा पब्लिक के बीच में कि हमने केस सॉल्व कर दिया, काम कर दिया। तो बिहार पुलिस शुरू से करते आई है, लेकिन ये जो आप अभी जो राजनीतिक इसके ऊपर देख रहे हैं कि सिर्फ RJD के लोग ही इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय जो है नीतीश जी के हाथ में, और इससे आपको फिर समझ में आ जाना चाहिए, अगर विपक्ष में तो BJP है ना, BJP को उठाना चाहिए था इस तरीके के सवाल, लेकिन RJD उठा रही है गठबंधन में होने के बावजूद। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि फिर से ही जो रेलगाड़ी है इनकी डबल इंजन की, वो पटरी से घिसकने वाली है, और यहाँ पर साफ लग रहा है कि एक लोग इनडायरेक्टली रूप से नीतीश जी या उनकी पार्टी पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके पहले तो पार्टी बहुत सही थी, इसके पहले पुलिस वाले सब सही थे जब वहाँ छपरा में और बाकी जगह इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो ये सब चीज़ चलते रहेगा, नहीं पट रहा है पटरा इन लोगों के बीच में। और जब से हमको लगता है कि ईडी वाला छापा तेजस्वी जी के यहाँ पड़ना शुरू हुआ है, पिछले बार भी घोटाले के नाम पर नीतीश जी अलग हो गए थे, इस बार भी हमको लगता है कि भाई एक तरीका अपनाने का कोशिश किया जा रहा है। तो मतलब ये अपना फेस बचाने के लिए और नीतीश जी को घेरने के लिए आरजेडी का एक प्रयास भी हो सकता है, नहीं तो आरजेडी इस मसले पर चुप रह जाती। बिल्कुल चुप रह जाती, क्योंकि सारे उपद्रव तो उन्हीं के लोग कर रहे हैं मैक्सिमम। जहां केसेस हो रहे हैं, जहां भी इस तरीके का उपद्रव हो रहा है, वहां एक ही पार्टी के कार्यकर्ता आपको हर जगह मिल जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ इसमें हम कहेंगे कि अगर किसी, एक बात ये आई है सामने कि कई बार पैसे लेकर के जो है वो FIR रिपोर्ट किया जा रहा है या छोड़ दिया जा रहा है या गलत आदमी को उठा करके अंदर बंद कर दिया जा रहा है, तो अगर किसी आम आदमी से अगर कोई पुलिस वाला अगर पैसे की डिमांड करता है, उसके बदले न्याय की बात करता है कि हम आपकी FIR रिपोर्ट तब करेंगे जब आप पैसे देंगे, या उसकी सुपरविज़न तब करेंगे, या चार्जशीट के समय पैसे लेंगे, या केस डायरी के समय पैसे लेंगे, तो उसके लिए क्या अधिकार है आम आदमी को, उसकी शिकायत कहाँ करेंगे? पहले तो आप DGP को लेटर लिख सकते हैं जी। आप वहाँ जो भी जिलाधिकारी हैं SP को लेटर लिख सकते हैं। आप चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार पटना हाई कोर्ट को एक लेटर में सूचना दे सकते हैं, और उसके बाद आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इससे होगा ये कि चीफ जस्टिस इस पर सुओ मोटो लेते हैं या रजिस्ट्रार इसके ऊपर खुद से जाँच करवाते हैं, अगर आपका उनके संज्ञान में चला जाता है मैटर। जनता दरबार भी आपके पास एक तरह का ऑप्शन है, लेकिन जनता दरबार से लोग आना नहीं चाहते, क्योंकि अब बहुत दूर दूर के जो लोग हैं उनको भागलपुर हो गया, खगड़िया हो गया, वहाँ से लोगों को आने जाने में ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, एक दिन का समय लग जाता है। तो ये जो बाई पोस्ट सर्विसेज है, अगर FIR आपका नहीं लिया जा रहा है, डायरेक्टली FIR लेने से मना कर दिया, तो आपके पास तीन ऑप्शन और हैं। एक कि आप बाई पोस्ट उसी थाना को FIR भेजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से उसका रिसीविंग रख लीजिए, क्योंकि जो भी उस पोस्ट को रिसीव करेगा उसका सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। इससे ये पता चल जाएगा कि थाना के पास आपकी, आपका जो भी FIR था, जो आपका कंप्लेन था, वो पहुंचा है, थाना ने FIR नहीं लिया, तो उसके बेसिस पर आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये बता सकते हैं कि हमने तो वहाँ अप्लाई किया था, हमने वहाँ बाई पोस्ट रजिस्टर किया, और बाई पोस्ट रजिस्टर्ड अगर आपके पास पहुँचता है तो थाना भी कंपेल्ड है उसको रजिस्टर करने पर, क्योंकि वहाँ से बच नहीं सकता। बिल्कुल, तो ये एक तरीका लोगों को नहीं पता, ये आप कर सकते हैं। DGP को डायरेक्ट लेटर लिख सकते हैं, अब तो टोल फ्री नंबर्स भी जारी कर दिया गया जी, डायरेक्ट उनको सूचना दीजिए। उसके बाद अगर DGP भी नहीं करते हैं, तो उस जिस नंबर से आपने कॉल किया है उसका स्क्रीनशॉट लगाकर या रिकॉर्डिंग लगाकर साथ में आप चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार या फिर एडवोकेट जनरल को भेज सकते हैं जी। ये बड़ी आम आदमी के बड़ी पते की चीज़ बताई आपने। चलते चलते एक और सवाल लेंगे, जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिहार पुलिस लगातार एक्टिव दिख रही है, कहाँ गिरफ्तारी हुई, कि तो हर महीने का टोटल सर्वे की कितना केस था, कहाँ कहाँ और कितनी कार्रवाई हुई है, इन सब चीज़ों से क्या लगता है कि क्या आम जनमानस में पुलिस को लेकर के जो भ्रांति बैठी हुई है वो थोड़ा फिगर थोड़ा करेक्शन होगा क्या? कोई करेक्शन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें कागजी ही हैं। असल में जो पुलिस कर रही है उसको सदन में उठाया जा रहा है जी। असल में जो पुलिस कर रही है उसके लिए कई लोग सुसाइड कर ले रहे हैं जी। एक मामला आया था ना कि पूरा परिवार सुसाइड कर लिया क्योंकि पुलिस तंग कर रही थी उनको। तो ऐसे मामले जो ग्राउंड पर जो मामले हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। जो कागजी मामले हैं, जो कागजी आपको सिनेरियो दिखाया जाता है, वही आपको बस कुछ दिली सुकून दे सकता है। उसके अलावा बिहार न सुधरा है न सुधरेगा जब तक इस तरीके का रवैया रहेगा पुलिस का। और पुलिस पर सबसे ज़्यादा शिकंजा कसना या उनके लिए एक नियम निकालना, उनको उन पर थोड़ा बंदिश या उनको शिकंजा टाइट करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया सरकार। इस पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए था नीतीश जी को, या फिर जो भी गृह मंत्रालय में आला अधिकारी बैठे हैं उनको। ये ढीलापन का नतीजा है कि पुलिस अपने आगे किसी को नहीं लगाती। या आप सुन रहे होंगे अभी कुछ दिन पहले का एक घटना है, पेपर में ही आया था कि SP साहब का FIR नहीं लिखा गया किसी एक थाना इंचार्ज ने, क्योंकि SP साहब अपने असली वेशभूषा में नहीं गए थे, आम आदमी बन के गए थे। ये बिहार पुलिस, तो अब जब SP का FIR नहीं लिखा जा रहा है भाई, तो आम आदमी का क्या लिखा जाएगा जी। तो ये सदन में उठना तो बहुत दिन के बाद आया, इसको बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। नहीं, कि ग्राउंड पर पुलिस वही है और वही रहेगी, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि पेपर में क्या आ रहा है, सदन में क्या उठाया जा रहा है। हम भाई थेथर हैं, हम वैसे ही बैठेंगे। रोज हमको कोर्ट में बेइज्जती किया जाएगा, रोज हमको बुलाकर लाइन हाजिर किया जाएगा, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर के अमित अंशु बस जी बिहार पुलिस पर खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं, और ये कई वर्षों का ये जो है ये समस्या है, 70 साल बाद भी हम इसी बात पर जिक्र कर रहे हैं कि लोगों को FIR करने का उनका मौलिक अधिकार है, शिकायत करने का अधिकार है, और वो रिकॉर्ड होना चाहिए। बहरहाल ये बवासीर का उद्भेदन किया है RJD सत्ता पक्ष के
औरंगाबाद के विधायक हैं ऋषि कुमार, उन्होंने, और ये मामला दाऊदनगर थाने का था। और मज़े की बात है कि जब विधानसभा में ये सवाल उठा है उसके बाद जाके FIR रिपोर्ट लॉज हुआ है, और जब ये मामला उन्होंने उठाया है तब सत्ता पक्ष के ही दो तीन और विधायकों ने इस बात पर अपनी अपनी भड़ास निकाली है। दुबे जी कह रहे हैं कि पैसा लेकर के किसी को भी बंद कर दे रहे हैं, किसी भी मामले में उठा ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि बिना पैसा लिए FIR दर्ज नहीं होता है, और लास्ट में बीच बचाव में जो गृह राज्य मंत्री हैं विजेंद्र यादव जी, उनको लिखना पड़ता है, कहना पड़ता है कि सारे SP को बहुत जल्द जो है नोटिस भेजी जाएगी कि FIR अपने इलाके में सुनिश्चित करे और 100% जो है वो FIR रिपोर्ट हो। सर भाई विजेंद्र कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की साजिश कुछ थाना प्रभारी और थाना अध्यक्षों के द्वारा की जाती है। हर बात में सिर्फ दोष दे देना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि जमीन पर आप दिखें। अगर FIR थाने में रिकॉर्ड नहीं हो रही है तो इस सदन की रखवाली और यहाँ लोकतंत्र की रखवाली जिस पार्टी के जिम्मे है वो अपनी जिम्मेवारी कब समझेगी? आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे, मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।